मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 2 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बापू दादा बोले, मीठे बच्चे अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़, बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़, बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? और उत्तर में बाबा कहते, बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरी तरफ बंधन, यह युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। मुरली का गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है, वे अनेक प्रकार के भ्रमों में भटकता रहता है। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है, मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं, तुमको भटकने की दरकार नहीं। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटे भटकते हैरान हो गया। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ, देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते हैं, उन सब को छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं, हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं कि ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखें, कहां भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते हैं, आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो, अब ये भटकना छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, यह भूलने से समझते हैं मैं देह हूँ, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्युलोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो। यह है बंधन और वह है संबंध। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग हैं। बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध छोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है, ये लाइन अंडरलाइन करने वाली है। तो संबंध किसके साथ रखना है? ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मन मना भव, मध्यजी भव, और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद सुख के वर्षे से संबंध रखो। बाप ही ये संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है, एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में और संबंध है राम राज्य में व ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है, क्योंकि सत्ययुग ईश्वर स्थापन करते हैं। उसमें ऊंच पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब तुम संगम युग पर हो, सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है, और कोई युग में यह पुरुषार्थ नहीं होता। बाप कहते हैं, मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ।
सत्युग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यह तो जरूर होगा कि एक तरफ संबंध खींचेगा और दूसरे तरफ बंधन खींचेगा। यह लड़ाई होती है। सत्युग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं, संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। आसुरी बंधन में रावण ने लाया, ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह है अयथार्थ। यथार्थ पुरुषार्थ परमपिता ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ही टूट पड़ता है। अब तुमने एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग बैकुंठ की रजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवान वाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है। सिर्फ एक अर्जुन थोड़े ही होगा, भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। यह निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी रावानुसार जरूर स्थापन होनी ही है। हम ना चाहे तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो। ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा, कल्प पहले के मुआफिक। परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी ऊंच मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कराते हैं, टाइम भी बदलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है, वह कहते हैं ये संगम युग पुरुषार्थ करने का है। पतित से पावन बनना है, संगम की बहुत महिमा है। वह है नदियों और सागर का संगम, और यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है। बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ। सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको हिसाब किताब चुक टू कर जरूर पावन बनना है। यह कयामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सज्जनी परमपिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। तुमने देखा है मकड़ जब उड़ती है तो उनका एक लीडर होता है, उनके पिछाड़ी ही सारा झुंड उड़ता है। यह भी ऐसे है, साजन आया है गुलगुल बनाने। तुम सभी पावन बन जाएंगे, फिर जब मैं आऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सजनियां ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। तुम सजनियां भी जानती हो कि हम ये शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान है एक, भक्तियां हैं अनेक। कोई किसको मानते, कोई किसी को मानते। कोई कहते हैं संसार बना ही नहीं है, जिसने जो कहा सो मान लिया। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। बाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ा देते हैं। यह है ही दुखधाम। अब सुखधाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है, निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परम पिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकते, जिससे वह श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सबकी उतरती कला है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, अब चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता। इस्लामी बौद्धी आदि तो बाद में आते हैं। तो बाबा कहते उनके पहले चंद्रवंशी रामराज्य था।
और उनके पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बौद्धी थे, बौद्धी नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था, और उनके पहले सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं हैं। बाप आकर तीन धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है, विनाश आया कि आया, हालतें बिगड़ती रहती हैं, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन बैकुंठ देख कर आते हो, साक्षात्कार होता है, कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है, बाकी वहां जा नहीं सकते। जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे, बाकी साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है, तुम्हारी रावण राज्य तरफ पीठ है, मुंह है राम राज्य की तरफ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वर्ण अविनाशी है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखलाने वाला शिव बाबा है। यह ईश्वरी वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी, फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुर यह रावण है, परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया यह नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है, वह समझते हैं इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है, वैसे मुझ परमात्मा का भी रूप बिंदी मिसल है। जैसा तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। बड़ी भारी भीती है, यानी कि प्राप्ति बहुत है। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी हैं ये बच्चा अथवा ये धन ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते हैं कि यह सब तो अब खत्म हो जाना है, यह तो कुछ नहीं है, इससे ममत्व तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे, सिर्फ तुम ममत्व निकाल दो। यह तो बहुत थोड़ा है, हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ममत्व निकल नए से जुट जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया भस्म होनी ही है, अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। यह फिर बेहद के दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति। जब तमोप्रधान जड़जड़ी भूत हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है, मुझे कण कण में ठिकर भीतर में कह देते हैं। पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए यह पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते शास्त्र पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं कि इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम खुद ही कहते हो कि हे पतित पावन आओ, पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, गीत भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो, श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वहां दुख की कोई बात ही नहीं। तुम 5000 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वह भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराना है, दूसरों को भी समझाना है, इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा। बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। सेकंड पॉइंट है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। वरदान दिया बाबा ने, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है, इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, स्नेह ही साधन, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।